फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रत्येक स्कूल में चार नदियों के नाम पर चार सदन बनाए गए हैं, जिनके बीच खेलकूद का टूर्नामेंट आयोजन किया गया है, जिसका समापन 15 दिसंबर को आत्मानंद स्कूल में कई प्रकार के खेलकूद का आयोजन कर किया गया, जिसमें खो खो, वॉलीबॉल जैसे अन्य खेलों को भी शामिल किया गया। इन सभी खेलों में सैकड़ों बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें अतिथि नगर पंचायत उपाध्यक्ष टार्जन भाटी, पार्षद टीकाराम पटेल, विजय यादव एवं अन्य अतिथि मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद बच्चों द्वारा खो खो खेल आरंभ किया गया। पर हैरानी की बात यह थी कि बच्चों को सुरक्षा से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी चीज मुहैया नहीं करवाई है। बच्चे खाली पैर दौड़ते रहे, बच्चों के घुटनों पर चोट से बचने वाला कोई कवर नहीं था, न ही कोई कवर उनके कोहनी पर था। ऐसे में अगर खेलते वक्त कोई अप्रिय घटना घट जाती तब उसका जिम्मेदार कौन होता। सैकड़ों बच्चे धूप में खड़े रहे, पर उनके लिए पीने का पानी व्यवस्था नहीं की गई थी। प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल किट दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। स्कूली बच्चों से पूछने पर बच्चों ने बताया कि स्कूल की तरफ से कोई भी खेलकूद सामग्री नहीं दी गई और सभी को अपना अपना खेलकूद सामग्री लाने को कहा गया, जिसके कारण सभी बच्चे खाली पैर खेलते दिखे। वहीं एक बच्चे के पैर में चोट लगा दिखाई दिया। ऐसे ही कई दिनों से बच्चे खेलते आ रहे हैं, जिनका स्कूल कर्मचारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। धर्म जयगढ़ से मुकेश मौर्य की रिपोर्ट। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विदित हो गया है कार्यक्रम प्रत्येक स्कूल में बच्चों को चार हाउस में बांटा जाता है। हमारे यहाँ महानदी, अरपा, इसलिए चार नदियों के नाम से चार सदन बने हुए हैं। इन चार सदन के बीच ये कार्यक्रम और ये जो चैंपियनशिप है, जो टूर्नामेंट है, छोटा सा खेल कूद का, ये आयोजित किया गया है। क्योंकि अभी शासन की तरफ से आदेश था कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक सप्ताह कार्यक्रम किया जाए, आज उसका सातवां दिन है, तो कहने के मतलब आज समापन है। आप सब हमारे बीच उपस्थित हैं, आप सभी का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत की इस कड़ी में सबसे पहले नगर उपाध्यक्ष टार्जन भारती के स्वागत के लिए अशोक पटेल को आमंत्रित करता हूं। अशोक पटेल जी, व्याख्याता जी, टार्जन भारती जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। आगामी गण में अतुल मिश्रा जी, व्याख्याता कॉमर्स, टीका भाई पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष किसान संघ, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं, पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारे भी जिला पंचायत सदस्य उपस्थित हैं, मैं इनको स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। रवि यादव जी, रामनाथ बैगा जी इनका नाम है, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, वर्तमान में हैं। आगामी कड़ी में विजय यादव पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में हमारे वार्ड के पार्षद हैं, और आने वाले समय में हमारे उम्मीद करता हूं कि हमारे शाला विकास समिति के अध्यक्ष होंगे, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। नित्यकांत जी स्वागत करें। हमारे बीच नैया दास महंत जी भी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। मल्लिक सर को इस ऐसी स्वागत के पश्चात मैं